तो इस सीजन में ये है टामरिंड की कंडीशन। बुरी लग सकती है लोगों को, क्योंकि जिसके पास है उसको तो लगता है कि मेरा प्लांट शायद मर ही जाएगा। जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो तो वही सोचेगा। यहाँ मैंने कुछ ट्रिमिंग वगैरह किया है, पहले दो महीने पहले शायद गुजरते मानसून में, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया था, तो बैलेंस करने के लिए मैंने उसको काटे थे कुछ ब्रांच, तो इसलिए यहाँ कुछ एक्टिव हो गया था ये प्लांट, और फिर ऐसे ही बना रहा है। देखिए फ्रेश ही दिखता है बट कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा। और आपके पास अगर प्लांट ऐसे ही पड़ा है तो उस पर तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, न्यू ग्रोथ, बस पक्के पत्ते पीले भी पड़ के नीचे गिर रहे होंगे, जैसे कि इस प्लांट के सब गिर भी गए हैं दोस्तों। तो ग्रोथ पीरियड में इस तरह ठहराव भी आता है, पत्ते मैच्योर हो जाते हैं, फिर एक वक्त होता है कि वो सब गिरने लगते हैं, एक दो करके पूरे पत्ते भी गिर जाते हैं जो कि इस प्लांट में गिर रहे हैं। और हमारे वीडियो पहले के देखा होगा तो इस तरह अगर टिप दिखती है, ग्रीन टिप यहाँ देख सकते हैं, तो आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बट वो टिप्स कब देखनी है आपको, मार्च में, मार्च के बाद अगर इस तरह की टिप्स दिखे तो आप देखते ही उसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते। अभी करेंगे तो होगा क्या, ठंड बढ़ेगी, प्लांट अच्छे से अपने आप को सर्वाइव नहीं करवा पाएगा, शॉक में चला जाता है, इसलिए प्लांट्स का रिपोर्टिंग अभी नहीं किया जा सकता। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई पॉलीथीन बैग में है या छोटे पॉट में है, तो फिर आप वो पॉट को, पूरे पॉट को दूसरे बड़े पॉट में डाल दीजिए बिना कुछ डिस्टर्ब किए हुए। मैं यहाँ कुछ डेड पार्ट वगैरह निकाल के क्लीन कर रहा हूँ दोस्तों, तो प्लांट भी डिस्टर्ब नहीं होगा और आपका जो प्लांट है उसकी इम्यूनिटी भी बनी रहेगी, कुछ न्यूट्रिएंट वगैरह मिलता रहेगा, तो थोड़ा बहुत एक्टिव हो सकता है। एक्टिव ना भी करे तो भी चलेगा, इसे ही बनाए रखे, नॉर्मल वाटरिंग करते रहे, तब वो उसको आपको रखना है वैसे ही का वैसे स्प्रिंग तक, यानी वो ग्रोथ करने वाला है दोस्तों, लेट स्प्रिंग, थोड़ा मिड स्प्रिंग में कह सकते हैं, थोड़ा देरी से जाता है ये, क्योंकि तब तक फ्रूटिंग की सीजन होती है, फ्लावरिंग भी होता रहता है, तब तक यहाँ ऐसे ही पड़ा रहेगा ये प्लांट, जो मैच्योर प्लांट नहीं है वो। अगर मैच्योर प्लांट होता तो इसमें फ्रूट वगैरह भी आ सकते हैं, फ्लावरिंग भी होती, बट ये अनमैच्योर प्लांट है, इसमें यही होता है, और डाइबैक वगैरह भी ये करता रहता है, तो वो जैसा बढ़ना जाए वैसे बढ़ने देते हैं, तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है। तो बिगिनर्स को पता नहीं क्या है कि उसको बनाना है दोस्तों यही प्लांट का बॉन्साई, डेड वुड भी नहीं होता, ये बिखर जाता है, यानी जल्दी ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो एलियरिंग भी बड़ा मुश्किल है, सीड से ग्रो करना भी इजी है पर बड़ा होने में वक्त लग जाता है। ये नर्सरी वाला प्लांट है दोस्तों, या फिर मुझे तो ठीक से याद भी नहीं, मैंने कोई हार्वेस्टिंग करके ही लगाया होगा, पर छोटा प्लांट, एक दो प्लांट है तो मुझे ठीक से याद नहीं, तो एक को तो मैंने हार्वेस्टिंग करके ज़मीन में भी गाड़ा था, पर इस प्लांट को शायद मैंने शैलो पॉट में रखा था, जिससे वो बाद में उसका रूट सिस्टम हम डिस्टर्ब ना हो पाए, इसलिए हम ना कर पाए, इसलिए फिर मैंने सोचा ग्रोथ नहीं हो रहा है तो इस तरह डीप पॉट में, एक हमारा जो पॉट है ना वो काला वाला, उसी में ट्रेन किया, फिर मैंने पिछले साल इसमें रख दिया है। और रिपोर्टिंग का पीरियड भी अंतराल 2-3 साल के बाद ही कीजिएगा उसको। अगर आपके पास मैच्योर प्लांट मिलता है नर्सरी में से प्लास्टिक बैग में, तो उसको इस तरह डीप पॉट में ही रख दीजिए, ज़्यादा कुछ रूट ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होगा उसका रूट बॉल बनता जाएगा और वो अपने आप में ज़िंदा रहना सीख लेगा। जब भी आप इस प्लांट को रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको करना क्या है, रूट बॉल के बॉन्डिंग को तोड़ना भी नहीं है, और बाहर बाहर से जो बड़ा कुछ रूट दिखता है वो तोड़ के फंगिसाइड लगा के उसको फिर से जल्दी से आपको उसको लगा देना पड़ेगा। अगर ज़्यादा एक्सपोज टाइम रहा और कोई और सीजन में आपने शेड दिया प्लांट को, तो वो जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है।
तो अभी आपके प्लांट की हालत इस तरह की है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप उसको वाटरिंग करते रहें, बस उसको जिंदा रखना है स्प्रिंग तक, फिर एकदम से उसमें उबाल आएगा स्प्रिंग में। थोड़ा लेट होगा, स्पाइकर्स वगैरह ग्रीन हो जाएंगे, बहुत सारे प्लांट ग्रीन हो जाते हैं तब ये जागता है, थोड़ा लेट होता है बट अच्छे से ग्रीन हो जाता है। बाओबाब तो बहुत ही लेट करता है, अभी भी उसके पत्ते बने हुए हैं हमारे यहाँ तो, बट मॉनसून के एक महीने पहले ग्रो करना स्टार्ट करता है, फिर से विंटर में डोरमेट में चले जाते हैं। तो ये डोरमेट में जाने वाला जैसा प्लांट है, अगर पोट किया है तो पुरानी इमली का पेड़ है वहाँ सभी पत्ते नहीं जाते दोस्तों, कुछ कुछ रहते ही है, इस तरह यहाँ भी बने हुए हैं इसे, फिर अचानक से नए लीफ आने लगते हैं। तो चले मिलते हैं, मेरा ख्याल है डाउट क्लियर हो गया होगा, फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ज़्यादा कुछ डिस्टर्ब किए बिना इस प्लांट को आप कर सकते हैं। अगर आपने नॉर्मल प्लांट की तरह उसको वॉश आउट करके कुछ करके रिपोर्टिंग किया तो आप वो प्लांट बचा नहीं पाएंगे। इसके साथ भी बहुत सारी स्टाइल की है मैंने, वो सब चला जाता है पता नहीं क्यों। फिर मैंने यहाँ एक ही ब्रांच से स्टार्ट किया था, फिर कुछ बड़ा और कुछ ऐसे ही चेंज होता रहता है। मैं तो ऐसे ही रखने वाला हूँ, एक पेड़ की शक्ल में संभाल के रखूँगा इस प्लांट को और मैच्योर बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं, ऐसे ही बने रहेंगे हमारी इस कार्यशाला के साथ तो कुछ सीख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।